सब्जेक्टिव शीट नंबर 24 में आपको ना इसमें E1, E2, R1, R2, R3 सब कुछ गिवन है, बस आपको इसमें करंट्स बताने हैं ब्रांचेस में क्या होंगे, ना तो इसमें कुछ सीरीज में, ना कोई पैरल में, ना बैटरी सीरीज, ना बैटरी पैरल, कुछ नहीं कर सकते बस। फिर तो एक ही इलाज है, वो है किरचॉफ लॉ। तो इमेजिन करो इस बैटरी ने I1 करंट बाहर निकाला, तो I1 करंट यहां से यहां आया, इस बैटरी के पॉजिटिव ने I2 करंट बाहर निकाला, I2 करंट यहां से यहां आया, जंक्शन पे दोनों करंट मिल गए, I1 प्लस I2 चला गया, फिर I1 प्लस I2 स्प्लिट हो गया क्योंकि इसने I1 निकाला था तो इधर I1 जाएगा, क्योंकि इसने I2 निकाला है तो इधर वापस I2 जाएगा, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब एक स्टूडेंट आया, वो कहता जी मुझे क्या पता यही करंट डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो मैंने कहा फिर तूने क्या किया? वो कहता जी मैंने ऐसे किया ही नहीं, मैंने ऐसे कर दिया कि मान लो इसमें आई करंट आया। मैंने कहा ठीक है। वो कहता आई करंट यहां तक आया। मैंने कहा ठीक है। वो कहता मैंने इसको आई डैश कर दिया। तो मैंने कहा फिर यहां क्या किया? आई माइनस आई डैश कर दिया। हाँ, तो मैंने कहा यह भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्जी करो, बस एक चीज याद रखना कि डिस्ट्रीब्यूशन सही या गलत है वो फैसला बैटरी करती है। अगर डिवाइड कर करके जितना करंट इसने रिलीज किया उतना ही इसको वापस आ रहा है, और जितना इसने रिलीज किया उतना ही वापस आ रहा है, तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही है, जैसे मर्जी कर लो। तो उसके बाद करना कुछ नहीं है, किरचॉफ लॉ का लूप ले लेने हैं। जैसे मान लो दो लूप लेते हैं, मैं लूप यहां से यहां घुमा रहा हूं, करंट के ऑपोजिट जा रहा हूं तो प्लस I1 R1, प्लस से माइनस पे जा रहा हूं माइनस E1, करंट ऊपर आ रहा है मैं नीचे आ रहा हूं तो प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3, और फिर मैं वापस आ गया इक्वल टू जीरो। ऐसी ये मत देखना प्लीज, ऐसी किरचॉफ लॉ यहां लगा लेना, यहां से घूम के वापस आते हैं तो माइनस से प्लस पे आ रहे हैं प्लस E2, करंट की डायरेक्शन में प्लस माइनस I2 इंटू R2, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं माइनस, फिर करंट के साथ जा रहे हैं तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3 इक्वल टू जीरो। तुम्हें दो इक्वेशन पता लग गई। इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स हैं I1 एंड I2, बाकी सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके I1 I2 निकाल लेना। मतलब सबसे इरिटेटिंग पार्ट यही है, पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन करो, फिर किरचॉफ के लॉ लगाओ, फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व भी करो, फिर I1 I2 निकालो। पर वो चाहता है कि आप प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसी तरीके से क्वेश्चन, हाँ ऐसा हो सकता है कि जब आप सॉल्व कर रहे हो आपका करंट नेगेटिव आ जाए, तो कोई कहेगा सर नेगेटिव तो करंट ही नहीं होते। कई बार क्या होता है, कोई स्टूडेंट अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है जो कि सही होती है, जो कि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन से अलग भी हो सकती है ना। कोई मान लो I1 I2 करता है, कोई I डैश करता है और दूसरी ब्रांच में I माइनस I डैश कर लेता है, कोई करंट की डायरेक्शन गलत ले सकता है, कोई बात नहीं। अगर जिस भी ब्रांच में आपने करंट की सर्कुलेशन उल्टी ले ली है, गलत ले ली है, कोई टेंशन नहीं, आपका मैग्नीट्यूड फिर भी सही आएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप, जरूरी नहीं कि आप सही डिस्ट्रीब्यूशन ही करो या डायरेक्शन सही भी करो, कोई बात नहीं, आप गलत कर दो तो आपका आंसर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, बस यही फर्क होगा। तो जैसे इस ब्रांच में I1 का करंट आ गया, कितना आ गया, यहां से सॉल्व करके I1 आ गया, I2 आ गया, तो उसने पूछा था कि बीच के ब्रांच का करंट निकालो, तो कुछ नहीं करना, I1 माइनस I2 करके आंसर निकाल देना, वो तो न्यूमेरिकल जब करोगे तब पता लगेगा। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन के अंदर वो कहता है जी तीन बैटरीज हैं, तीनों की इंटरनल रेजिस्टेंसेज हैं, करंट बताओ हर बैटरी ने कितना रिलीज किया, E1 पता है, R1 पता है, E2, R2, E3, R3 तीनों पता है। तो मैंने कहा ठीक है जी, यहां से करंट गया I1, तो अगर इस बैटरी ने I1 करंट बाहर निकाला तो पीछे से भी I1 आना जरूरी है, तो इसने कितना रिलीज किया पॉजिटिव ने, I2, तो I2 दे दिया, I3 दे दिया। फिर कितने वेरिएबल दिए मैंने, तीन, I1, I2 एंड I3। पहला किरचॉफ लॉ कहां लगेगा, यहां पे, दूसरा कहां लगेगा, यहां पे, तीसरा लगाऊं, लगाना पड़ेगा, कितने वेरिएबल्स हैं, तीन, I1, I2 एंड I3, तो कितनी इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, तीन, तो तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी, यहां से आएगी। लेकिन मैंने थोड़ा लंबा कर दिया, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है, ये लो ठीक, तीसरा सेल है, तो इसके अंदर ये E1 है, ये R1 है,
ये ई टू है, ये ई थ्री है और ये ऐसे है। तो मेरे को ऐसा करना चाहिए था, मैंने यहां से करंट निकाला आई, तो सपोज करो यहां कितना चला गया आई डैश, तो फिर बचा हुआ किस में आ गया आई माइनस आई डैश। तो यहां से आया आई माइनस आई डैश, यहां से आया आई, ठीक, यहां से क्या आ रहा है, सॉरी आई डैश, आई डैश का आई डैश, यहां से आया आई, तो आई डैश इधर आया, बचा हुआ इधर, इधर ये दोनों मिलेंगे तो टोटल करंट फिर से कितना आ जाएगा आई, सही हो गया। अब इसमें कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, दो, आई और आई डैश। अब लूप्स कितनी चाहिए, दो, ये ज्यादा बेटर है, तीन से बेटर है, दो लूप लो, किरचॉफ लॉ लगाओ, आंसर आएगा, ये ज्यादा बेटर है। लेकिन कोई कहेगा सर आपने एक वायलेशन कर दी, मैंने कहा कैसे, वो कहता देखो इसमें जो करंट आया तुम्हें क्या पता इसमें एंटर करेगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं मेरा करंट नेगेटिव आ जाएगा, मैग्नीट्यूड तो मैं भी निकाल पाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा करंट की डायरेक्शन ही उल्टी होगी मुझसे, कोई बात नहीं करंट नेगेटिव सही, ऑप्शन तो मैं भी मार्क कर लूंगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या रूल लगेगा इसमें, ठीक है, ट्राई करने हैं आपने ये सारे, राइट, एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेना, वैसे इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते नहीं है, बट ये है कि वो चाहता है कि आप किरचॉफ लॉ की प्रैक्टिस करो। हाँ सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी में आते हैं, बोर्ड में आएगा ये क्वेश्चन सिंपल किरचॉफ लॉ का, पक्का आएगा, मेंस और नीट में भी कहीं ना कहीं यूज होता रहेगा। और उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, जिसमें दो सेल्स हैं, ये रे दो सेल्स हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस वन और टू है, पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड टुगेदर, पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है 10 ओम के साथ, तो ये टोटल 10 ओम है, नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है 4 ओम के साथ, 10 ओम की वायर मिडिल पॉइंट में है, मिडिल का मतलब अगर ये 10 है तो आधी 5 और 5 है, अगर ये टोटल 4 है तो आधी 2 और 2 है। कह रहे जी करंट निकाल दो, हाँ तो निकाल दो, मैंने इसमें से आई वन करंट दिया, इसमें से आई टू करंट दिया, मिडिल वायर में आई वन प्लस आई टू आया, इसने आई वन दिया था तो वापस आई वन दे दिया, इसने आई टू दिया था तो वापस आई टू दे दिया। अब आप किरचॉफ लॉ लगा लेना, लूप नंबर वन में लूप नंबर टू में दो वेरिएबल्स आई वन आई टू, आई वन आई टू कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या रूल है किरचॉफ लॉ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का।